श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु सफल है जित सतगुर का मन मंदिर सतगुर का मन सब पाप कसम मल पहने सब पाप कसम मल पहने सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए जे को करे चित लाए जे को करे सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित
सतगुरु की सेवा
सफल है ये जो करे इतना है अति गुरु की सेवा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो में विच्चों जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक जो अवस्था कई जन्मों की भक्ति से प्राप्त होती है जो दाते कई जन्मों की भक्ति से प्राप्त होती हैं महापुरुषों के वचन है कि सेवा करके वो एक जन्म में प्राप्त की जा सकती है प्यार से बोले धन गुरना सेवा करने का ढंग आ जाए बस कई बार सेवा का टॉपिक गुरु साहब जी सेवा ले चुके संगत को पता भी है सेवा पर फिर भी बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने एक साखी दी
जिसमें मक्खन शाह लुभाना अरदास करता है, गुरु तेग बहादुर साहिब जी कंधा देकर उसके जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। बाबा आनंद सिंह जी साखी एक दिन सुनाई संगत में, दूसरे दिन वही साखी फिर से ले ली, तीसरे दिन फिर ले ली। अभी सब सुन सुन के सबको पता है साखी क्या है, पर बाबा आनंद सिंह जी चौथे दिन फिर से ये साखी ले ली। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा जी के पास बोलने की, आप तीन दिन से सुना रहे हो, चौथे दिन भी यही साखी। जो पास में सेवादार रहती हैं उनसे जाके बेनती की संगत ने कि महापुरुषों से कहो कि साखी चार बार सुना चुके, कहीं पांचवें दिन भी यही न ले लें। तो बाबा आनंद सिंह जी को सेवादार ने जाके बेनती की, संगत इस प्रकार कह रही है। तो पांचवें दिन बाबा आनंद सिंह जी ने फिर से वही साखी ले ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साखी लेने के बाद बाबा जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि रोज सुनते हो कि मक्खन शाह लुभाने का जहाज डूब रहा है। उसने अरदास की, गुरु तेग बहादुर साहिब जी जो कई सालों से भोरे में छिप कर बैठे थे, प्रकट नहीं हुए थे, ध्यान देना, कई सालों से पता नहीं था गुरु कौन है, सिख भटके पड़े थे, 22 मंजियां लग गई थी बाहर और हर कोई अपने को गुरु कह रहा था, पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी एक भोरे में छिप कर तप कर रहे, कई सालों से बाहर नहीं निकले, पर मक्खन शाह लुभाने की अरदास ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को मजबूर कर दिया बाहर निकलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास तो कई सिखों की थी, सारी सिख संगत की थी कि बाबा जी के दर्शन कभी होंगे, पर प्रगट किया मक्खन शाह लुभाने ने। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कहने लगे रोज साखी इसलिए लेता हूँ, ये जानने की, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मक्खन शाह लुभाने ने की अरदास कैसी थी, किस भावना से उसने अरदास की थी कि जो कई सालों से गुरु तेग बहादुर साहिब जी छिप कर बैठे थे भोरे में, उन्हें प्रगट होने पर मजबूर होना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर बाबा आनंद सिंह जी ने समझाया, ये ढंग हमें अरदास का आ जाए, साखी को मत सुनो, साखी की गहराई को पकड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सेवा का टॉपिक कई बार हम ले चुके हैं, साखी अलग अलग होती है, ये समझने के लिए कि सेवा कैसी होती है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमें सेवा करनी आई कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ आई सेवा करने के ढंग, बार बार सुने हैं कि सिमरन करते हुए सेवा करो, पर जब भी नीचे जाओ लंगर में सब बातें कर रहे होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि सेवा है ही वो जिसमें सिमरन शामिल हो, और यहाँ पर सब बातें कर करके कुछ लोग हैं जो इस बात पर पक्का चलते हैं, पर ज़्यादातर लोग अब भी बातें करते हुए लंगर पकाते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो मेहनत सफल नहीं हो रही। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, चित निरंकार से जुड़ा हो सिमरन में, हाथों से सेवा हो रही हो वो सेवा सफल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब कई लोगों ने नाम लिखा के रखे हैं कि हम आएंगे, अपने टाइम पर आते नहीं, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी ली है सेवा करने की, उस समय कोई आपको एक छोटी सी जुगती है महापुरुषों की, दास आप सबको समझा दीजिए, ये सिर्फ पाठ के लिए नहीं, सारे जीवन भर के लिए ये बात पल्ले बांध लीजिए। महापुरुष कहते थे, जब आप किसी को इंतजार करवाते हो ना, किसी को समय दे दिया, वो वहां पर पहुंच गया पर आप नहीं पहुंचे, आप इंतजार करवा रहे हो, जब आप इंतजार करवाते हो ना, आपके पुण्य ट्रांसफर हो जाते हैं इंतजार करने वाले के पास। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है, आपने उसको समय दे के रखा है, उसका समय व्यर्थ गवा रहे हो आप। इसीलिए कोई महापुरुषों का इंतजार करना पड़े ना कहीं बैठकर, बाबा जी के वचन है तो किया करो खुशी से, क्योंकि महापुरुषों का इंतजार करने से पुण्य बढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर आप किसी को इंतजार करवा रहे हो, यहाँ पर पाठ पे कोई बैठा है, उसने एक घंटे के बाद उठना है, आपकी बारी है, आप आराम से घर में बैठे हो, आज मैं नहीं जाता, वो इंतजार कर रहे हैं सेवादार भी और जो यहाँ पर बैठे हैं। सेवा ली है आपने पर निभा नहीं रहे जैसे लेनी चाहिए, जैसे निभानी चाहिए, हमें अब तक सेवा के ढंग नहीं आए। तीसरे प्रकार की सेवा, एक अपने मन मर्जी से सेवा करना, एक जैसे हुक्म दिया जाए वैसे सेवा करना,
दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत बार सुन चुके हैं, पर हम इस पे चलते कहाँ? सेवादारों से कई लोगों के रोज झगड़े होते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को अंदर भेज दे तो हमें नहीं भेजते। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार बोलते हैं, कई लोग तो गालियां तक निकाल के जाते हैं। मैंने कहा सुन लो, यही तो फल है आपका, यही कमाई है। सेवा करने का मतलब ही ये है कि लोगों की कड़वी बातें सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात याद रखना सब, आप जो लोग संगत को कड़वी बातें बोलते हो, कोई भी हो, चाहे सेवादार हो चाहे संगत हो, अगर संगत सेवादार को कड़वी वचन बोलता है, अपनी की हुई कमाई उसकी झोली में डालकर जा रहा है। अगर सेवादार संगत को कड़वे वचन बोल रहा है, उस दिन की हुई मेहनत सारी कमाई सिमरन सेवा कीर्तन सुना हुआ उसकी झोली में फल डालकर जा रहा है। अब आप आते हो तो कमाई करने, पर उल्टा हाथ से देकर जा रहे हो, नुकसान करके जा रहे हो, इसलिए प्रकरण बार बार लेना पड़ता है। मैं भी आप में ही शामिल हूँ, मुझ में भी यही गलतियाँ हैं जो आप में। अपने अपने मन को समझाएं, क्या सब मिलकर गायन करें। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितला। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितला। मन चिंतिया तीसरे गुरु नानक का शब्द। धन धन श्री गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने इस शब्द में सेवा की महानता बताई कि जो अहंकार किसी भी तरह से काबू में नहीं आता, हम में सेवा करने से वो भी खत्म हो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने जो कुछ पाया सेवा से पाया, सब जानते हैं। इतनी बड़ी उम्र में जाकर गुरुगद्दी हासिल की, इतनी बड़ी उम्र में जाकर गुरु नानक पातशाह की शक्ति, गुरु अंगद पातशाह की शक्ति सारी सेवा से हासिल कर ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रसन्न करके सेवा। गुरु अमरदास जी के समय की घटना है, तीसरे गुरु नानक के समय इतिहास में नाम आया है गंगू खत्री। लिखा है कि गुरु अमरदास जी के समय ये बहुत बड़ा शाहूकार हुआ करता था, बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई शाहूकार था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर ना कभी कोई सेवा, ना कभी कोई संगत, ना कोई नाम, कुछ नहीं जपा, ना कभी संतों की संगत, कुछ नहीं किया कभी, पर धन इतना ज्यादा
कि साहूकार लोग भी कई बार धन लेने के लिए इसके पास जाते हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाणी कहती है ना कि हुण वते हर नाम न बीजियो अग्गे भूखा क्या खाए। नाम नहीं बीजा, पुरानी कमाई खत्म होती गई। इतना बड़ा साहूकार, इतना बड़ा साहूकार, दिन ऐसे पलटे, नुकसान हुआ होना शुरू हुआ कि सारी दौलत खत्म हो गई, दौलत बचे ही नहीं, यहाँ तक के घर में खाना खाने के लिए भी मुश्किल से एक टाइम का खाना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास बैठा रहता है कि क्या हो गया ये, पर समझ में नहीं आ रहा। किसी गुरुमुख ने रास्ता दिखाया कि गोविंदलाल साहिब जा गुरु अमरदास जी के पास, तीसरे गुरु नानक, वो बहुत दयालु है, उनके पास जाकर अपनी समस्या रख, वो कोई समाधान जरूर बताएंगे। और युक्ति बताई कि गुरु अमरदास जी के पास, गुरु के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। अब उसने सोचा मेरे पास धन तो है नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं। तो उसके पास एक बड़ा गुड़ का ढेला पड़ा था, गुड़ का, वही उठाकर चल पड़ा गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए। जब पहुंचा संगत के बीच में, देखा लोग बेशकीमती चीजें भेंट कर रहे हैं गुरु अमरदास जी के चरणों में। वो गुड़ को छिपाकर संगत के पीछे जाकर घबरा कर बैठ गया कि मैं ये गुड़ आगे जाके रखूं, शर्मा गया। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पातशाह गरीब निवाज अंतर जाम, सब जानते हैं, आवाज दी जोर से गंगू आगे आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो उठा, शर्मा के आगे आया, कहने लगे हमारे लिए जो गुड़ लेकर आया है वो पीछे रख के हैं, वो भी लेकर आ। गुरु अमरदास जी ने वो गुड़ मंगवाया उससे सारी संगत के सामने। वो गुड़ थोड़ा आप खाया और बाकी सारी संगत में बंटवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने लगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस हमारी एक बात मान, सब कुछ भूल कर यहाँ पर रहकर संगत की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा की शर्त भी बता दी कि हाथ से सेवा और चित्त में सिमरन चलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम कहे त्रिलोचन मुख तेरा समा, हाथ पांव कर काम सब सब चित्त निरंजन लाल, सतगुरु की सेवा सफल है ये को करे। इतिहास में लिखा है इसने ऐसे तन मन और धन से सेवा की, इतनी ज्यादा सेवा की, दिन रात अनथक सेवा, कि गुरु साहिब जी मुख से कुछ कहें सही भाग कर वो काम कर देना। समा आ गया, कुछ महीनों बाद गुरु अमरदास जी ने अपने पास बुलाया, कहने लगे हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अपने पास से कुछ मोहरें दी, कहने लगे अब ये ले जा और दिल्ली में जाकर कोई कारोबार कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दिल्ली में जाके कारोबार कर, गुरु नानक मेहर करेगा, पहले से भी बड़ा साहूकार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ख्याल रखना, ख्याल रखना, गरीब की मदद करना, गरीब की मदद करना। और आए गए गुरसिख को, कोई संत आए, कोई नाम जपने वाला है, उसे अपने घर में ठहराना, उसकी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वचन बोलकर समझाकर गुरु अमरदास जी ने उसे भेज दिया। गुरु अमरदास जी के वचन तीसरे गुरु नानक के खाली कैसे जाएंगे। इतिहास में लिखा है दिल्ली का इतना बड़ा साहूकार हुआ कि एक बार बादशाह को धन की जरूरत पड़ी और धन
गंगू खत्री ने दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना बड़ा धनवान कि बादशाह की नजरों में भी उसकी इज्जत हो गई, बढ़ गई कि इतना बड़ा धनवान। कुछ समय बीता, एक दिल्ली का गरीब परिवार गुरु अमरदास जी के चरणों में आया कि हमारी बेटी की शादी है, हमारे पास धन नहीं, कुछ मदद कर दो। गुरु अमरदास जी के पास गुरु अमरदास जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा, गंगू हम ये परिवार तेरे पास भेज रहे हैं, इन्हें सिर्फ 50 सोने की मुद्राएं दे देना, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ताकि अपनी बेटी की शादी कर सके। अब यह परिवार जब चिट्ठी लेकर गंगू के पास पहुंचा, गंगू ने चिट्ठी पढ़ी, मत बदल चुकी थी, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा, गुरु अमरदास जी का यहाँ पर कोई खाता चलता है क्या, उनका कोई खाता चलता है क्या जो मैं 50 मोहरे दे दूं आपको, मेरे पास नहीं है 50 मोहरे, प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहेगुरु। इसीलिए तो हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं, क्या सदा पकड़ो मेरी बाह कि तेरे ले न जा, सुख स्वार्च पे के तेन भूल न जा, सुख स्वार्च पे के तेन भूल मेरी बाह पकड़ के रखना, ऐसा ना हो दुख में तो सब सिमरन कर लेते, सुखों में मैं कहीं तुझे भूल ना जाऊं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गुरु अमरदास जी की 50 मोहरों से दी हुई कुछ मोहरों से आज ये सबसे बड़ा साहूकार बना, उन्हीं की चिट्ठी को वापस कर दिया कि मेरे पास 50 मोहरे नहीं है, क्या है ये, जब सुख आ गए गुरु भूल गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए ये पंक्तियां लिखी हैं। इस बच्चे को जरा पीछे ले जाइए, ये बहुत चिल्ला रहे है बीच में, इसको पीछे ले जाइए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल ना जावा, सुखा विच पैके तैनू भुल ना जावा। बात वो आ गई याद कि दुख में सिमरन तो हर कोई कर लेता है, मुश्किल है सुख में सिमरन करना। याद है हमने इस बात पर विचार किया था, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन, ये तो आसान है हर कोई कर लेता है, मुश्किल है सुख वेले सिमरन, दुख वेले शुक्राना, फिर हर वेले सिमरन अपने आप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल न जावा, पकड़ो मेरी बाह किते रुल न जावा, सुख स्वार चिपे के तन फुल चरणानल जोड़ो हर जी अपना विरत पशानल, जोड़ो हर जी अपना विरत गंगू खत्री ने वो चिट्ठी वापस कर दी। ये परिवार उदास मन से गुरु अमरदास जी के चरणों में आया
और सारी व्यथा कह सुनाई। गुरु अमरदास जी ने जब ये वचन सुने कि गंगू खत्री ने कहा है कि मेरे पास 50 मोहरे नहीं हैं, तो गुरु साहब जी ने कह दिया, नहीं है तो नहीं है। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही हुआ, बरकत पड़नी बंद हो गई, क्योंकि गुरु के वचनों से बरकत पड़ी थी, गुरु के मन को दुखा दिया, बरकत खत्म। अब पहले से भी बुरी हालत हो गई, अत का गरीब हो गया, बुद्धि ठिकाने पर आ गई। फिर आया गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास जी के चरणों में, प्यार से बोले, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु अमरदास जी ने सेवादारों से कह दिया कि इसे हमारे सामने नहीं आने देना, गंगू खत्री को हमारे सामने नहीं आने देना। पर गंगू खत्री सारी मर्यादाएं जानता था कि गुरु अमरदास जी सेवा से प्रसन्न होते हैं, गुरु है, बख्श भी देंगे। लगा रहा सेवा में दिन रात, फिर से माफिया मांगता रहा, सेवा में लगा रहा। इतिहास में लिखा है 11 महीनों बाद गुरु अमरदास जी ने उसने अपने पास बुलाया। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 11 महीनों बाद गंगू खत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं, पर एक बात याद रख, जो समय निकल गया वो निकल गया। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ये वचन किया करते थे कि एक समय आता है बख्शीश का, वो संभाल लेना चाहिए। कि गाड़ी अगर पटरी से एक बार उतर गई तो चढ़ती बड़ी मुश्किल से है। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास इसलिए कई बार ये बेनती करता है, कई लोग अमृत वेला छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं। जगह भले छोड़ दो, वेला नहीं छोड़ना। वेले का मतलब होता है टाइम, समय। वो जो वेला है वो गुरु को दे दिया है, 3 से 6 के बीच का। बीमार हो घर में बैठो, स्नान करो, रास्ते में हो, सफर में हो, ट्रेन में जागो, कहीं पर भी हो, ये वेला संभाल लो, अमृत वेला। क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, ज्यादातर लोगों का अमृत वेले उस दिन छूटता है जिस दिन कोई बख्शीश होने वाली होती है। समझो किसी का 2 साल से अमृत वेला है, अचानक एक दिन वो छोड़ देता है, बाबा जी के वचन ये कलयुग छुड़ाता है, क्योंकि उस दिन गुरु कोई कृपा करने वाला होता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और वो वेला निकल गया, वो समय निकल गया, फिर पता नहीं कौन से जन्म में जाके हाथ आएगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात गुरु अमरदास जी ने समझाई गंगू को कि वो समय तेरा निकल गया, अब वो साहूकारी तेरी वापस नहीं आएगी, पर तुझे खाना खाने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतनी कृपा तुझ पर रहेगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसे कहा, जा फिर से जाके कारोबार कर, वही वचनों की पालना कर, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पर वो साहूकारी अब नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे लिए एक एक बात में शिक्षा है साथ संगत, सेवा करते कैसे हैं, अमृत वेला नहीं छोड़ना है, सुखों में गुरु को नहीं भूलना है। घर में शादी है, ज्यादातर लोग अमृत वेला छोड़कर बैठ जाते हैं कि इतने दिनों बाद आएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरा विचार कीजिए, क्या जो शादी में जिन मेहमानों को खुश करने में हम लगे, क्या वो दुख में हमारे साथ आएंगे? कोई नहीं आता साथ। निभाओ रिश्तेदारी, फॉर्मेलिटी से एक निभाओ, जाओ थोड़ी देर बैठो, जान छुड़ा के निकल जाओ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष युक्ति बताया करते थे, कहते शादी में जाते हो, स्टेज पर जाओ, फोटो खिंचा के फटाफट निकल आओ, उनको फोटो देखनी होती है, आया था ये आदमी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्योंकि शादी के दिन तो याद रहता नहीं कौन आया कौन नहीं, जिसकी घर में शादी होती है वो बाद में एल्बम देखता है कि कौन आया था कौन नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फोटो खिंचा के आके घर में सो जाओ, अमृत वेला संभाल लो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सादी माला रंग से रहे तेरा नाम, सादी माला रंग से रहे तेरा नाम, बन जा गंगा में तेरा कृपा निधान, बन जा
यहाँ पर कई लोग ऐसी सेवा करते हैं कि अंदर से आशीष निकलती है, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। उनकी सेवा देखकर गुरु के आगे चरणों में सर झुक जाता है और उनके चरणों में भी। कई लोग इतने मन से सेवा करते हैं, कई लोग दिखावे की सेवा भी करते हैं कि जब मैं आता हूँ तो मुझे दिखाने के लिए सेवा करने लग जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि गुरु तो हमेशा देख रहा है। जिसने दाते देनी है वो मैं नहीं, वो गुरु है। मैं तो खुद इससे मांगता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ, इससे ही लेना है सब कुछ। मुझे खुश करने के लिए सेवा करोगे कुछ नहीं हासिल होने वाला। गुरु को खुश करो, जब मैं नहीं भी हूँ दरबार में तब भी सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी सेवा करते हैं, यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं। मैं कहीं पर भी बैठा होता हूँ तो मोबाइल में देखता हूँ कौन कौन कैसी सेवा कर रहा है, पता चल जाता है कौन सेवा कर रहा है पीछे से। और जो ऐसी सेवा करते हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, मन से आशीष निकलती है साथ साथ। गुरु की आशीष लो, गुरु की सेवा करो। ये जो समय है ना 40 दिन का, दास बार बार कह रहा है, पता नहीं ये समय वापिस आए या ना आए, नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। आप सोचेंगे कि अगले साल भी चालिया शाम को हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। अगले साल भी ऐसा हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा ऐसा होता भी है कि नहीं। लाभ उठा लो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लो। समर वैकेशन है, मुझे तो लगा था समर वैकेशन है, गुरुद्वारा पूरा दिन इस प्रकार भरा ही रहेगा। ठीक है पाठ चल रहे हैं, पर जितनी संगत पूरा दिन लाभ लेना चाहिए उतनी संगत लाभ नहीं ले रही। हाथ जोड़कर बेनती है, समय संभालिए, संभाल लीजिए समय। ये पंक्तियां हैं, ये पढ़े, गुरु मेहर करे ये पंक्तियां हमारे जीवन में शामिल हो जाए। संगता की सेवा करता रहा मैं।